एक मसला ये पेश आता है कि हमें पता है कि हम बगैर वजू और हुरूफ कुरान को तो हाथ नहीं लगा सकते अल्लाह के नाम को, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जो कुरानी आयात आती हैं या अहादीस लिखी हुई आ रही हैं या अल्लाह के नाम, चले अहादीस में तो एक मसला के आम हालात में भी उसको हाथ लगाया जा सकता है बिला वजू, लेकिन अल्लाह का नाम कोई डिस्प्ले हो रहा है तो क्या उसको बगैर वजू हाथ लगा सकते हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन पर वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है। मसलन तिलावत कुरान हम कर रहे थे और उसके ऊपर ये कुरान के हरूफ डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि इसको बगैर वजू हाथ लगाया जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम जो मोबाइल सेलुलर फ़ोन है हमारे पास उसकी स्क्रीन पे जो कुरान की आयात डिस्प्ले हो रही हो उसके लिए पहले हम वजू करके आएँ, और उस पर अब तो टच स्क्रीन वाले हैं, अब सफ़ा पलटने के लिए भी आपको हाथ लगाना पड़ता है दरमियान में उसके, तो ये ज़रूरी नहीं और वाजिब नहीं आपके लिए, तो ये एक मसला हुआ।